हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, सो तारक मेहता का ओल्ड एस नाम है रिसेंटली है सुंदर लाल की एंट्री हुई थी। एंड जैसे ही सुंदर लाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में आया तो यहाँ पर तारक मेहता शो के सभी फैंस को ऐसा लगा कि हो ना हो दया भाभी भी सुंदर लाल के साथ ही आई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बाय द वे, अगर बात की जाए पर दया भाभी की, तो तारक मेहता शो में दया भाभी के फैंस काफी टाइम से उनका वेट कर रहे हैं। एंड रिसेंट एपिसोड में तो यहाँ पर जेठालाल ने दया भाभी का जिक्र इतना किया, यानी कि जेठालाल इस समय दया भाभी को इतना मिस कर रहा है कि दया भाभी के बिना जेठालाल के सारे काम हटके पड़े हैं। रिसेंटली इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया है टप्पू ने भी, क्योंकि जब जेठालाल टप्पू से बोलता है कि वो अपनी ग्रुप स्टडी यहीं पर कर ले, तो टप्पू बोलता है कि अगर मैं अपनी ग्रुप स्टडी यहाँ पर कर भी लूँ तो आखिरकार उसके दोस्तों का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि इस समय पर दया भाभी घर पे नहीं है। तो इस रिसेंट स्टोरी में अगर दया भाभी का जिक्र इतना ज्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पर आने वाली स्टोरी में हमें दया भाभी की झलक अब देखने को मिले। हालांकि दया भाभी की वो झलक परमानेंट नहीं होगी, यानी कि जिस टाइम पर दया भाभी नवरात्रि के सीन शूट किए थे तो उस समय हो सकता है उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सीन शूट किए हो जो कि रिसेंट स्टोरी में दिखा दें। लेकिन आखिरकार दया भाभी तारक मेहता शो के अंदर वापसी कब करेंगी, इसकी अभी तक तो कोई भी कंफर्मेशन न्यूज निकल के सामने नहीं आ रही है। राजेश सब बताए कि आप भी शो के अंदर दया भाभी का काफी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। गाइस, इस बारे में आपके जो भी कमेंट्स और रिव्यूज हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे।